हेलो दोस्तों, टेक हेल्पर सरप्राइज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वीपीएन वन ऐप का, और आपको बताएंगे आप किस तरह से वीपीएन वन ऐप को यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक कर दे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आप यहां पर से स्टार्ट वीपीएन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर से आपके सामने एक ऐड आ जाएंगे, तो सिंपली आप इस ऐड को स्किप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, अगर आपको कंट्री सिलेक्ट करना है तो सिंपली सिलेक्ट कंट्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट कंट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारी कंट्रीज आ जाएंगी। तो जिस भी कंपनी कंट्री के साथ आपको वीपीएन कनेक्ट करना है, सिंपली आप उस कंट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आप उस कंट्री के साथ वीपीएन कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, अगर आपको वीपीएन कनेक्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पर से डिसकनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से वीपीएन कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह से इस वीपीएन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।